सो मेरा मकसद यहाँ पर ना तो फैट ट्यूबर को डिफेम करने का, ना ही आयुर्वेदा को, और ना ही कि ये कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं कहूँ कि फैट ट्यूबर एक्सपोज, और उसमें मैं लैब रिपोर्ट दिखा दूँ उसके द्वारा रिकमेंड किए गए प्रोडक्ट्स की, और ये लो भैया ये तो फ्रॉड कर रहा है। देखो फैट ट्यूबर ने काफ़ी चेंजेस किए हैं कुछ लोगों की ज़िंदगी में, मैं भी उनको थोड़ा बहुत फॉलो करता हूँ अभी भी, लेकिन जो प्रोडक्ट्स का खेल है ना उससे आप थोड़ा बच के रहो बस। आने वाली वीडियो में अभी बहुत कुछ बाकी है, ये समझाना पहले ज़रूरी था। सीधा उन रिपोर्ट्स को सामने रखने से आई डोंट थिंक कि कोई पर्पज पूरा होता। आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले मैंने एक वीडियो कवर की थी अबाउट कामधेनु कुमकुमादि तैलम, और उस प्रोडक्ट ने ना सिर्फ मेरा बल्कि और भी ना जाने कितने ऐसे हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स का चेहरा खराब किया है जिन्होंने इस प्रोडक्ट को सिर्फ एक व्यक्ति के भरोसे पर खरीदा था। इवन अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर जितनी भी सेल इस प्रोडक्ट की हुई है वो सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि उसको रिकमेंड और प्रमोट किया था हमारे प्रिय फिट ट्यूबर ने। लास्ट वीडियो पूर्णतः तर्क संगत होने के बावजूद लोगों के सेंटिमेंट उस वीडियो में हर्ट हुए। तो इस बार हम क्या करते हैं कि इस बार हम फिट ट्यूबर को बिल्कुल साइड में कर देते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं उनके ऊपर कोई अटैक नहीं करूंगा, और साथ ही मैं ये भी क्लियर कर दूं कि मैं आयुर्वेदा के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, मैं खिलाफ हूं उन कंपनीज के, उन प्रोडक्ट्स के जो आयुर्वेदा के नाम पे, हर्बल और ऑर्गेनिक के नाम पे मार्केट किए जाते हैं। लेकिन क्या ये प्रोडक्ट हर्बल, नेचुरल, आयुर्वेदिक या ऑर्गेनिक होते हैं? सबसे पहले हम इसी बबल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए नेचुरल को लेके हम सबके दिमाग में एक बहुत ही बड़ा भ्रम हमारे दिमाग की गहराइयों तक बैठा दिया गया है कि नेचुरल प्रोडक्ट्स के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन सच्चाई ये है कि जो नेचुरल शब्द है वो किसी भी प्रोडक्ट के संदर्भ में ऑलरेडी एक स्कैम है। क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि इंडिया के अंदर ना तो कोई ऐसी बॉडी है जो नेचुरल प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करे या फिर इनको वेरीफाई करे कि ये प्रोडक्ट सच में नेचुरल हैं। अगर कोई कंपनी क्लेम कर रही है कि वो नेचुरल प्रोडक्ट बना रही है तो इस चीज़ को सर्टिफाइड करने के लिए, इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कोई भी बॉडी या अथॉरिटी इंडिया के अंदर नहीं है। कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट पर नेचुरल लिख सकती है, आयुर्वेदिक लिख सकती है, हर्बल लिख सकती है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने वाला। इवन इन USA द टर्म नेचुरल इज नॉट बीइंग रेगुलेटेड बाय FDA। तो हकीकत यह है कि जो नेचुरल शब्द को डिफाइन करना ही एक बहुत बड़ी बसूड़ी है। मान लो कि कोई व्यक्ति अपने खेत में एप्पल्स की खेती कर रहा है, ठीक है, और वो अपने खेत में यूरिया, जिंक, पोटासियम, सल्फर वगैरह अपने खेत में डालता है। अब जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा, जो फाइनल जो सेब की जो फसल वो निकल के आएगी, क्या आप उसको अननेचुरल कहोगे? अगर आप अननेचुरल कहोगे भी तो इसको प्रूव कैसे करोगे? जो सेब की फसल निकल के आई है आप इसको कैसे प्रूव करोगे कि ये वाला सेब एडिशनल खाद डालने से, एडिशनल यूरिया डालने से हुआ, या फिर ये वाला सेब बिल्कुल नेचुरल मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उनसे पैदा हुआ है? तो इस चीज़ को डिफाइन करना पहली बात तो ये कि बड़ा मुश्किल है, और दूसरी बात ये कि जो एलोपैथी है उसके अंदर आज भी सैकड़ों हजारों ऐसी दवाइयां हैं जो पूर्णतः पेड़ों से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, मिनरल से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, जो पूर्णतः नेचुरल होते हैं, पूर्णतः ऑर्गेनिक होते हैं। तो क्या आप ऐसी दवाइयों को आयुर्वेदिक कहोगे, नेचुरल कहोगे या ऑर्गेनिक कहोगे? लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। एक टैबलेट आती है विटामिन सी की, लिम सी करके, उस टैबलेट पर ऊपर ही लिखा हुआ है कि जो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। सो इसी विटामिन सी की टैबलेट को अगर FDA मार्केट में सेल करने के लिए अप्रूव कर देता है जिसका मेन इंग्रेडिएंट एस्कॉर्बिक एसिड है, तो क्या ये प्रोडक्ट अननेचुरल हो गया जस्ट बिकॉज क्योंकि इसको FDA ने अप्रूव कर दिया है, या फिर ये एलोपैथिक हो गया? लेकिन हकीकत तो यह है कि जो आपके खट्टे फल सब्जियां हैं उनमें भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये तो वही वाली बात हो गई कि अगर किसी चीज़ को FDA अप्रूव कर दे तो वो अपनी वर्जिनिटी खो देता है और वो एलोपैथिक हो जाता है, आयुर्वेदिक या फिर नेचुरल वो नहीं रहता है। अगर हम इससे आगे बढ़ के भी देखें तो जंगल में आप जाओ वहाँ पर हजारों सैकड़ों ऐसे पौधे आज भी हैं जो कि जंगल में अपने आप होते हैं, उन्हें बोने की जरूरत नहीं होती, पूर्णतः ऑर्गेनिक होते हैं, कोई खाद उनमें नहीं डाला जाता, लेकिन साथ ही साथ वो टॉक्सिक भी होते हैं। तो क्या है, ऐसे जो पौधे हैं ये सेफ हैं? इवन आप एक सांप के जहर का एग्जांपल ले लो, कोबरा का जो जहर है उसका एग्जांपल ले लो, पूर्णतः ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, लेकिन क्या ये सेफ है? तो ये जो धारणा बनी हुई है कि नेचुरल इज सेफ, दैट इज टोटली एब्सर्ड। इसका कोई मतलब नहीं बनता और इसीलिए इसको रेगुलेट करना भी बड़ा मुश्किल है। इवन चलो हवा का एग्जांपल ले लेते हैं, अभी जो इस एटमॉस्फेयर में जहां मैं बैठा हूं यहां पर जो हवा बह रही है ये तो पूर्णतः नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, हर्बल है, आयुर्वेदिक भी है,
कुछ भी कह लो इसको आप, लेकिन जिस ऑक्सीजन को हम सांस में अभी खींच रहे हैं, क्या आपको पता है कि ये आपकी बॉडी में जाकर ऑक्सीडेशन करता है। तभी तो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाने की सलाह दी जाती है। तो क्या ये हर तरीके से हेल्दी है जो एयर इस वक्त आपके एनवायरनमेंट में है? नो। तो ये एक भ्रम है और इसको रेगुलेट करना इसीलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चलो एक फाइनल एग्जांपल और लेते हैं। मेरे पास दो तरह के टमाटर रखे हुए हैं, ये 100 रुपये के जी हैं, ये 300 रुपये के जी हैं। रीज़न, ये वाले ऑर्गेनिक हैं, नेचुरल हैं, हर्बल हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो शब्द आप यूज कर लो। ये वाले वो टमाटर हैं जो खाद, यूरिया, पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल के पैदा किए गए हैं। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि मुझे पता है कि ये दोनों टमाटर एक ही हैं। और देखो, ऐसा करने पर मेरे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई का भी कोई ऐसा डर नहीं है मुझे कि अब मुझे इसके ऊपर कोई जेल में डाल देगा। इवन अगर मैसिव लेवल पे अगर पूरे देश में इस चीज़ को लागू किया जाए तो इसकी टेस्टिंग करना भी नामुमकिन है। तो जो हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स हैं उन्हें तो मैं आराम से उल्लू बनाकर ये 300 रुपये किलो के टमाटर बेच दूंगा, जो कि हकीकत में 100 रुपये किलो के टमाटर ही हैं। और आप इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकते, खुद भी आप अगर कोई कोशिश करोगे बस आपको लगेगा कि हाँ इसके ऊपर कुछ दाग हैं तो मतलब इसके ऊपर कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला गया, ये वो ये वो। मैं तो ऑलरेडी ऐसे ही टमाटर छांट के इधर रखूँगा ना। तो हकीकत ये है कि ये गवर्नमेंट से भी रेगुलेट होना बड़ा मुश्किल है ये चीज़। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि जो दुकानदार हैं, जो उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, सुपर मॉल के अंदर हों या फिर सड़कों पर बैठे लोग हों जो इन फलों और सब्जियों को बेच रहे हैं, वास्तव में ऑर्गेनिक चीज़ें बेच रहे हैं। इवन अगर आपने देखा हो तो पुराने आलूओं को नया बना दिया जाता है, गेरू के पाउडर में उनको एक बार घुमा दिया जाता है, उसके बाद वो नए आलू हो जाते हैं। तो जो व्यापारी हैं ना, वो तो अपना प्रॉफिट देखते हैं, उनको अपने प्रॉफिट से मतलब है और वो कमा लेंगे प्रॉफिट उस तरीके से। लेकिन यहाँ जो जेब कटेगा ना, वो नॉर्मल कस्टमर्स का नहीं कटेगा, ये उनका कटेगा जो हेल्थ कॉन्शियस है। और ये जो एग्जांपल मैंने अभी आपको टमाटर का दिया ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये फल सब्जियों के ऊपर लागू होता है, ये तुम्हारा कॉस्मेटिक के ऊपर लागू होता है, ये सब हेल्थ सप्लीमेंट्स के ऊपर लागू होता है। इवन जितनी भी ये कंपनियां हैं जो इस तरीके के बिजनेस में हैं, कॉस्मेटिक के में हो या हेल्थ सप्लीमेंट के में हो, इनको खुली आज़ादी मान लो आप एक तरीके की कि ये कुछ भी लेवल पे लिख सकते हैं। इवन प्रोडक्ट के अंदर वाले मटेरियल में कुछ और हो सकता है लेवल पे कुछ और लिख दें। इवन इस चीज़ के लिए इनके ऊपर कोई सिंगल केस नहीं हो सकता, सिर्फ अगर आप एक बड़ी कंपनी नहीं हो तो। मान लो कि अभी बाबा रामदेव की कंपनी है, साथ में हिंदुस्तान यूनिलीवर है, अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो एक बहुत बड़ी लीगल प्रोसीडिंग का खतरा उनके ऊपर बन सकता है। इसलिए अगर वो कुछ ऐसा एडल्ट्रेशन करते भी हैं तो उसको चुपचाप से लेवल के कोने में लिख देते हैं, ताकि जब एक केस वेस उनके ऊपर हो तो वो सेफली बच के वहाँ से निकल सकें। लेकिन ये जो छोटे ब्रांड हैं, खास तौर से जिनको लोग जानते नहीं हैं, ये जो गली मोहल्ले से निकल के एकदम कुछ यूट्यूबर उनको रिकमेंड कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि मान लो कि एक ब्यूटी क्रीम है, आयुर्वेदिक के नाम पे वो बेची जा रही है, लेकिन मैन्युफैक्चरर को पता है कि जो मर्क्यूरी है उससे स्किन लाइटनिंग होती है, दैट वर्क्स एज ए ब्लीचिंग एजेंट, और ये बहुत सस्ता भी है और इसको डालना बहुत आसान भी है। तो अपने प्रोडक्ट में वो मर्क्यूरी डाल के उसको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की तरह मार्केट कर देता है। और देखो, कमाल की बात यह है कि जो मर्क्यूरी है ना, वो पूरी तरह ऑर्गेनिकली प्रकृति के अंदर मौजूद है, पूरी तरह नेचुरली वो प्रकृति के अंदर नेचुरल है, तो ये इंग्रेडिएंट भी नेचुरल और ऑर्गेनिक हो गया। तो इस हिसाब से तो सेलर के ऊपर तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे भी नहीं बनती, वो तो बोल देगा कि हाँ बेशक मर्क्यूरी है लेकिन ये तो नेचुरल और हर्बल है, मार्केट ये कोई सिंथेटिकली थोड़ा ना बनाई है, ये तो प्रकृति में मौजूद थी, हमने प्रोडक्ट के अंदर डाल दी। लेकिन जो टॉक्सिसिटी है उस मर्क्यूरी की, उसकी कीमत तो कस्टमर चुकाएगा ना भाई साहब। इवन जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक सेक्स बूस्टर हों, एनर्जी बूस्टर हों, या फिर जितने भी हर्बल आयुर्वेदिक के नाम पर जितने भी टॉनिक्स बेचे जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि ये लोग उसमें स्टेरॉयड भी डालते हैं, एलोपैथी की दवाइयाँ भी डालते हैं उन्हें इफेक्टिव बनाने के लिए। क्योंकि अगर वो इफेक्टिव नहीं बनेंगे, क्योंकि देखो आयुर्वेद का क्लियर है, आयुर्वेदा जो है वो बहुत ही स्लो काम करता है, एकदम इंस्टेंटली काम नहीं करता आयुर्वेदा। बस कुछ अगर कुछ एग्जांपल्स को छोड़ दें, कहीं कहीं इंस्टेंटली भी काम कर सकता है, लेकिन वो बहुत कम केसेस हैं उस चीज़ के। तो हकीकत ये है कि इन प्रोडक्ट्स की इस चीज़ की भी गारंटी नहीं है कि जो लेवल पे इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं वो अंदर हैं या फिर उसके अलावा कुछ एडल्ट्रेशन भी अंदर किया हुआ है। इसको वेरीफाई करने वाला कोई नहीं है, FSSAI
कोई ऐसी रेगुलेशन नहीं देती है। जीएमपी सर्टिफिकेशन दिया जाता है, दैट इज फॉर इन्वायरमेंट। आप जिस इन्वायरमेंट में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उनको आप फॉलो कर लो, बस हो गया। लैब टेस्टिंग करके कोई सर्टिफिकेशन या कोई बड़ा कोई लाइसेंस नहीं लेना होता इसलिए। लेकिन हमारे कुछ प्रिय यूट्यूबर्स जिसमें हमारे फिट्यूबर भी आते हैं, वो तो बस लेबल पढ़ते हैं, लेबल पढ़ने से काम हो गया। बाकी ये जो कंपनियां हैं जो इस तरीके के प्रोडक्ट्स को बेच रही हैं, मार्केट्स कर रही हैं आयुर्वेदा के नाम पे या फिर हर्बल और नेचुरल के नाम पे, ये कंपनियां भी धर्मराज युधिष्ठिर के वंश से आती हैं, उनको झूठ नहीं बोलना आता, वो तो बिल्कुल ईमानदार हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि सरकार को ये कंपनियां ईमानदार नहीं लगती। अगर मैं आपके सामने कुछ डेटा रखूं अभी तो, सो इवन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्टैंडर्ड 2016 से 18 के बीच 804 ऐसी कंपनियों को रिपोर्ट किया गया है आयुष मिनिस्ट्री द्वारा रिगार्डिंग मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट्स के नाम पे ये कंपनियां इसमें एलोपैथी मिक्स करके बेच रही थी। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है द हिंदू बिजनेस लाइन की, जिसके अंदर ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि 2018 जनवरी के अंदर केरला में ऐसे कंपनियों के खिलाफ 25 केस फाइल हुए। इसके अलावा गुजरात में ऐसी 117 कंपनियों को नोटिस दिया गया जो इसी तरह के कथित आयुर्वेदिक और हर्बल तेल, एनर्जी बूस्टर और अन्य दवाएं बेच रहे थे, जैसे कि हिंदुस्तान हर्बल, तारुस फार्मा, बालाजी आयुर्वेदा, वैक्सन ड्रग्स वगैरह वगैरह। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट ने भी 13 ऐसी कंपनियों को एक वार्निंग लेटर भेजा था। और इवन यूएस और कनाडा में जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बैन हुए हैं वो भी इन्हीं कंपनियों की देन है, क्योंकि 2008 में एक वहाँ पे स्टडी की गई इन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो उस स्टडी में कम से कम 21% ऐसे इंडियन ब्रांड और यूएस के ब्रांड थे जो फेल हो गए। उनके अंदर अत्यधिक मात्रा में हैवी मेटल्स थे, खासतौर से लेड, मर्करी और आर्सेनिक। उसके बाद इनको रेगुलेट करना वहाँ भी पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई उन्होंने इनको वहाँ पे बैन कर दिया। इवन अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर आप जो ये रिव्यू देखते हो ये भी कोई खास ट्रस्टवर्दी नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने कामधेनु कुमकुम आदि तेलम को ऑर्डर किया था तो उसके अंदर एक वाउचर निकला था। उस वाउचर पे लिख रखा था कि आप इस वाउचर को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दो तो हम आपको 50 रुपये दे देंगे। मैंने उस वाउचर को उस पे व्हाट्सअप कर दिया तो वहाँ से रिप्लाई आया कि एक पॉजिटिव रिव्यू आप लिख दो और उसका स्क्रीनशॉट हमें दे दो तो 50 रुपये आपको हम UPI कर देंगे। फिट्यूबर का इतना बड़ा भरोसा था, मुझे पता था कि प्रोडक्ट तो ठीक निकलना ही है, 250-300 रुपये में से 50 रुपये वापस आ रहे हैं, तो इट्स ए गुड डील। मैंने पॉजिटिव रिव्यू करके स्क्रीनशॉट भेज दिया, 50 रुपये उन्होंने मुझे भेज दिए। तो एक तो ये तरीका है पॉजिटिव रिव्यू करवाने का, दूसरा ये कि ऐसी बहुत सारी टीम बैठी हुई हैं, कंपनीज बैठी हुई हैं जो रिव्यू करती हैं फेक तरीके से। सो मेरा मकसद यहाँ पर ना तो फिट्यूबर को डीफेम करने का, ना ही आयुर्वेदा को, और ना ही कि ये कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं कहूँ कि फिट्यूबर एक्सपोज और उसमें मैं लैब रिपोर्ट दिखा दूँ उसके द्वारा रिकमेंड किए गए प्रोडक्ट्स की और ये लो भैया ये तो फ्रॉड कर रहा है। देखो फिट्यूबर ने काफ़ी चेंजेस किए हैं कुछ लोगों की ज़िंदगी में, मैं भी उनको थोड़ा बहुत फॉलो करता हूँ अभी भी, लेकिन जो प्रोडक्ट्स का खेल है ना उससे आप थोड़ा बच के रहो बस। आने वाली वीडियो में अभी बहुत कुछ बाकी है, ये समझाना पहले ज़रूरी था, सीधा उन रिपोर्ट्स को सामने रखने से आई डोंट थिंक कि कोई पर्पज पूरा होता। सो बने रहिए इस वीडियो में, आने वाली वीडियो में मैं आपको उनके द्वारा रिकमेंड किए गए कुछ लैब रिपोर्ट्स को आपको दिखाऊंगा जो वास्तव में बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्युएबल टाइम। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल।